हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री टाइम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो देखिए, हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, अच्छे से धुआं निकल रहा है। तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे मसाले अपने। कोई भी सब्जी हो, सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल में। फिर जब मेरा मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाला प्याज। प्याज हल्के से पिंक से हो जाने चाहिए, ब्राउन होने पर जल जाते हैं। उसको हम थोड़ा और भुनेंगे। तो इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें मसाले, हमारे देसी मसाले। नमक अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी नमक डालने से भिंडी जो होती है हमारी लिबली भी हो जाती है। बहुत से लोगों का होता है कि भिंडी लिबली बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि उस पर हम लोग जो है नमक स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं। तो नमक जो है, जब भिंडी बिल्कुल 90% कुक हो जाती है, 10% बचता है, तब उस स्टेज पर डालना चाहिए, तो आपकी भिंडी कभी भी लिबली भी नहीं होगी। तो हम इसमें डालेंगे अभी नमक, मिर्च और धनिया। सॉरी, नमक नहीं, हल्दी, मिर्च और धनिया। नमक नहीं डालेंगे अभी। देखिए, हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसको, ताकि इसकी कचान निकल जाए। थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी इसमें 4 से 5 कट करके डाली है। डाल देंगे हमारी सारी भिंडी। थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो बहुत ही फ्रेश भिंडी थी, बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम ताज़ी ताज़ी। अब मैं इसमें डालूँगी इसमें धनिया पाउडर। मैं धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालूँगी, इसके धनिया पाउडर से क्या होता है, सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा आता है धनिया का आता है। तो बस इतना डाल दूँगी मैं, थोड़ा सा इसको कर देंगे अब मिक्स। कम तेल में गोल कटिंग की भिंडी बनके हमारी बहुत अच्छी रेडी होगी, और कम मसाले में। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, एक मेन इंग्रेडिएंट वो है सौंफ का पाउडर। देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें सौंफ पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सौंफ देखिए, मैं दिखा दूँ, हमारी ऐसी दरदरी सूखी हुई है थोड़ी, बॉयल हो गई, बस इतना ही। और इसको मैं ढक के रख दूँगी और सेम आँच पे होने दूँगी। गैस की फ्लेम को मैं बिल्कुल सिम कर दूँगी और उसको बीच बीच में चलाती रहूँगी। 15 मिनट में हमारी भिंडी बन के रेडी हो जाएगी, लेकिन 15 मिनट में उसे छोड़ना नहीं, चलाते रहूँगी। तो देखिए, हमारी भिंडी कितनी अच्छी हो गई है, बन गई है। देखिए, अब इसमें चिपचिपापन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी बन चुकी है और ये कुक हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें नमक डाल दूँगी भिंडी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, ऐसे खिली खिली बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम खिली खिली भिंडी बनी है।
तो मैं इसमें डाल दूँगी इतना नमक। इससे पता भी चल जाता है, क्योंकि भिंडी की क्वांटिटी पकने के बाद कम हो जाती है तो नमक कम या ज़्यादा होने का चांस भी नहीं रहता है, और बिल्कुल परफेक्ट रखता रहता है और हमारी भिंडी खिली खिली बनती रहेगी। बस जैसे ऐसे करके थोड़ा सा नमक और डालेंगे स्वाद अनुसार, और 2 मिनट से ऐसे चलने देंगे, और बस हमारी भिंडी की सब्जी रेडी, एकदम टेस्टी टेस्टी। उसमें से सौंफ की जो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। ज़रूर चुटकी भर सौंफ डालिएगा, पिसी की दरदरी, ज़्यादा नहीं मीठी हो जाएगी, और इसे स्लिट करेगी चिली डालिएगा। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी देखिए रेडी हो चुकी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।